जब ये वक्त आपकी शहादत का ऐन आ गया, उसमें कुछ टाइम बाकी था 25 से 30 मिनट, तो सवाल ये हुआ कि मैंने कहा बेटा कि मुझे कोई मैसेज दें, तो आप मुस्कराए मुस्करा कर आपने यही फरमाया अबू जी मैसेज तो सिर्फ एक ही है। पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन के साथ मैं अली अरशद मलिक हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी के मज़ार पर। यहाँ आज महफिल का सिलसिला था जहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी खिताब किया, और अब महफिल के अहतमाम पर उनके वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने एक सवाल का जवाब जो है जो काफ़ी अरसे से दबा हुआ था वो हम जानना है, जो कि इस मुल्क के करोड़ों आवाम जानना चाहते हैं कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को जिस रात उनको तख्त फांसी पर लटकाया गया, उस रात उन्होंने गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब ने अपने वालिद मोहतरम को एक पैगाम दिया था पूरी उम्मत मुस्लिमा के नाम, क्या था उन्होंने, क्या एक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए पैगाम दिया था, और वही पैगाम जो आज उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में जो एक बात कही है वो हम इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब का जी पैगाम एक ही है, जो पैगाम आज पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिम देख रही है। तो जब ये वक्त आपकी शहादत का ऐन आ गया, उसमें कुछ टाइम बाकी था 25 से 30 मिनट, तो सवाल ये हुआ कि मैंने कहा बेटा कि मुझे कोई मैसेज दें उम्मत मुस्लिम के लिए, आलम इस्लाम के लिए, आशकान रसूल के लिए, तो आपने यही मुझे मैसेज दिया मुस्कराए मुस्करा कर। आपने यही फरमाया अबू जी मैसेज तो सिर्फ एक ही है, वो मैसेज ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा। और दूसरा मेरा यही है कि मैं सभी उलमा हिजाम, सभी पीरान हिजाम और सभी उम्मत मुसलमा, आलम इस्लाम, सभी को ये हाथ जोड़कर कहता हूँ कि खुदा के लिए एक स्टेज पे आ जाएं, एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। आप जीत चुके हैं, वो हार चुका है। तो यही मेरा पैगाम है, जो आज आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, उम्मत मुसलमा देख रही है, आशकान रसूल देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया से, ये नहीं कि खिताए रियासत पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, आलम इस्लाम से लोग आ रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आखिर में हमें बता दें गाजी साहब के बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बता दें कि बचपन में से उनको ये इसी तरह से महफिल सजाने का, हजूर का जो है पैगाम पहुँचाने का, नात शरीफ पढ़ने का शौक़ था। आपको पहले भी ये बताया कि उन्हें कुछ मामलात, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेर आदमी नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की नाराज़गी होते हैं। मुमताज़ हुसैन कादरी वक्त के एक बहुत बड़े वली थे, पैदाशी ही वली थे, और उनकी आदतें या उनका बैठना उठना खाना पीना सब घर वालों से अलग थलग था, आपकी महफिलें अलग थलग थी। उनकी ये ही दिली यही ख्वाहिश होती थी, और हर सांस में वो यही कहते थे और यही समझते थे कि मेरी ज़िंदगी का हर सांस किसी के काम और रसूलुल्लाह के रास्ते में जाए। तो वो मिलाद शरीफ हर रोज़, ये नहीं है हफ्ते में एक बार या एक माह में एक बार, नहीं, हर रोज़ वो शाम को मिलाद नबी मनाते थे, और छोटे छोटे बच्चों को 10 साल 5 साल 4 साल के बच्चों के बच्चों को साथ लेकर बैठते थे, नात पढ़ते थे, उनको भी बताते थे, फिर दुआ भी फरमाते थे, हम लोग भी उनको देखते थे, वो बच्चे भी घरों में जाकर यही कहते थे कि आज हम शाम को मुमताज़ भाई के घर जाएंगे, वहाँ मुलाद होता है, वहाँ मुलाद करेंगे। तो ये बचपन ही से ही इसी रास्ते पे थे, जो उन्होंने अमल था उनका अपना, और अल्लाह ने उन्हें पसंद फरमाया, हुजूर ने पसंद फरमाया, जो आज उम्मत मुस्लिमा देख रही है। एक आखिरी चीज़ आप हमें बता दें कि आपके बेटे ने जो एक साहबजादे ने आपके जो एक सिलसिला शुरू किया ख़त्म नबूवत का, एक अलम बुलंद किया जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गई जी, उस जो नारा था वो जो अलम था उसको तकवीत बख्शी बाद में आकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने, अब उनकी जो शहादत है उनके विसाल कर जाने के बाद आपके तासुरात के ख़त्म नबूवत के मामलात फिर से एक मरतबा दुनिया में इसी तरह से मामलात उठना शुरू हो चुके हैं, तो ये तहरीक उसी जोरों शोर से उसी जान से जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला? ये हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है, और यही इंशाअल्लाह ताला इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी और ना ही आ सकती है। ठीक है, समझे जी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी के वालिद मोहतरम, आपने उनको सुना, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपने मेज़बान अली अरशद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। माशा।